सो फाइनली द वेट इज ओवर. यस, फाइनली मिल चुका है बीजमाई को ग्रीन सिग्नल, जिसका मतलब ये है कि बीजमाई रीलॉन्च होने वाले हैं जल्दी. ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है उन लोगों के लिए जो बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं बीजमाई का, मेरी तरह. अब वीडियो देख ही रहे हो तो लाइक करना मत भूलना एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल. न्यू स्टोरी अनबैन से रिलेटेड कि जोनाथन कोरिया जा रहा है तो हो सकता है बहुत ही जल्दी ये बीजमाई वापस आए, बट किसी को कुछ नहीं पता है. सीरियसली किसी को कुछ नहीं पता है अभी कब आने वाला है बीजमाई. तो मैंने इंडिया टुडे के आर्टिकल में पढ़ा बीजमाई से रिलेटेड जो कि ये था. सो इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि बीजमाई जल्दी ही रीलॉन्च होने वाला है. गवर्नमेंट रिमूव करने वाली है बैन बीजमाई से, जिसका हम लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं. बीजमाई अनबैन होगा कुछ लिमिटेड टाइम के लिए जो कि है 3 मंथ्स, बट कुछ चेंजेस के साथ. अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि चेंजेस क्या होने वाले हैं गेम में. पहला चेंज और सबसे बड़ा चेंज जो आने वाला है बीजमाई में वो ये है कि हम उसको 24 आवर्स नहीं खेल सकते. एक लिमिटेड टाइम होगा जिसके बाद आपको रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी. सेकेंड चेंज यही है कि ब्लड इफेक्ट रेड नहीं रहेगा, बाय डिफ़ॉल्ट वो ब्लू या ग्रीन रहेगा. और भी काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं गेम में जिससे लोगों को इसकी एडिक्शन ना हो. मेन फोकस गवर्नमेंट का यही रहेगा. अभी क्राफ्टन की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, बट लीक्स के अकॉर्डिंग मिड अप्रैल तक गेम वापस आ जाना चाहिए. इन लीक्स को और भी ज़्यादा एविडेंट बनाती है ये क्लिप जो जोनाथन ने अपनी स्टोरी पर पोस्ट की है, जिसमें वो क्राफ्टन के स्टूडियो में है. सो होपफुली हमें बहुत ही जल्द एक ऑफिशियल गुड न्यूज़ मिलने वाली है. सो गेट रेडी गाइज. तो ये सारी चेंजेस हैं जो बीजेमआई में आने वाले हैं, और बिगेस्ट चेंज यही रहेगा कि तुम उसको 24 आवर्स नहीं खेल सकते. एक लिमिट सेट कर दी जाएगी, नहीं तो उसके बाद रिस्ट्रिक्शन आई. चेंजेस आ सकते हैं बीजेमआई में. गवर्नमेंट का फोकस यही है कि लोगों को उसकी एडिक्शन ना हो. सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट टाइम. तब तक के लिए टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग.